हेलो सर, कैसे हो आप? सब लोग सही? ये जो की देख रहे हो ना, ये भाई आप लोगों की फेवरेट होंडा बाइक की, जो कि है CBR 150 RR। अब CBR 150 RR जो है ना मेरे सामने खड़ी है, और ये है इसका फ्रंट लुक, देख रहे हो। ये जो CBR 150 RR है ना, 150 RR नहीं है, सॉरी 150 R है। तो ये जो है ना लाइक लेटेस्ट वेरियंट है। एंड कल मैंने एक आपको CBR 150 R दिखाई थी, वो भी लेटेस्ट थी। बट यहाँ पे दो मॉडल इनके पास आता है, एक ये वाला मॉडल भी जो है इनके पास फिलहाल आ रहा है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। जो कल अपन ने देखी थी ना, पहले तो इसकी की देख लो, बेसिक सी की है, बट लॉक बेसिक नहीं है भाई। यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था ना कि जो कल हमने देखी थी उसका जो लुक था वो ऑलमोस्ट इस जैसा था, मतलब 250 RR जैसा था। और जो आज हम देख रहे हैं ना, इसका जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक देखो, थोड़ा डिफरेंट आपको लगा? क्योंकि इसमें यहाँ पे DRLs हैं, हेडलाइट यहाँ पे है, और उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट थी। बट मेरे को वो वाली ज़्यादा अच्छी लग रही। बाकी आप लोग बताओ आपको कौन सी अच्छी लग रही है। मिरर्स इसमें देखो, एंड LED इंडिकेटर्स यहाँ पे है। इसमें जो है USD सस्पेंशन भी नहीं है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, मतलब ये थोड़ी सी सस्ती है। डिस्क ब्रेक देख सकते हो, एंड टायर भी इसमें फ्रंट में 90 सेक्शन का है, 100 सेक्शन का नहीं है। और ABS भी इसके अंदर दिया गया है। अब ये नहीं पता सिंगल है या ड्यूअल है, बताऊंगा जब पीछे का देखूंगा तब। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो, CBR 150 R की जो है पूरी आपको स्टिकरिंग मिलेगी। एंड यहाँ पे जस्ट पूरा टैंक है इसका, जो कि आई थिंक 12 लीटर के करीब का है। और लिमिटेड से ही फीचर है इसके अंदर। इंजन की तरफ आऊँ तो भाई यहाँ पे 150 cc का इंजन आपको मिलता है, जो कि अराउंड 16 PS के करीब जो है पावर देता है, एंड 13.7 Nm के करीब जो है टॉर्क देता है। तो ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस इसकी सेम ही है जैसे R15 वगैरह है। बट R15 से थोड़ी सी डाउन आप लगा सकते हो, 19 20 का फर्क है, ज़्यादा वो भी नहीं है। 6-speed का गेयरबॉक्स इसमें आता है, और ऑलमोस्ट इंजन जो है ना आपको सेम ही लगेंगे। ये सारे जो हेड है ना, हेड ये सेम लगता है मेरे को तो यार, R15 में भी इसमें भी, मतलब ऑलमोस्ट देखने में सेम लगता है, बट दिन रात का फ़र्क है वैसे थोड़ा चलाने में। पीछे एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल रहे हैं, लाइक जो कि नहीं मिलते अपने R15 वगैरह में। फ्रंट फुटरेस्ट, रियर ब्रेकिंग, रियर फुटरेस्ट, एंड जस्ट चेक सीट। सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है पीछे की, आगे की तो नहीं है। एग्जॉस्ट यहाँ पे मिलता है 250 RR में, डबल मिल जाता है। और यहाँ पे 130 सेक्शन का पीछे टायर है, ड्यूअल चैनल ABS है, पीछे भी ABS है, डिस्क है, सब कुछ यहाँ पे भी आपको मिलेगा। उसके बाद टेल लाइट आप लोग देखो, थोड़ी सी डिफरेंट टेल लाइट इसकी, कल वाली की अलग थी। और ये देखो, बाकी यहाँ पे जो अपने को साइड स्टैंड एंड जो है गेयरबॉक्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। स्विंग आर्म जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी मेन जो चीज़ है ना वो है इसकी मीटर की। तो पहले तो बटन देखो, पासिंग लाइट, हाइडिंग लो बीम, ऑन इंडिकेटर, जस्ट सेल्फ का बटन है, कोई भी इग्निशन का बटन भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये जो CBR है ये लॉन्च की गई थी, और ये थोड़ी सस्ती है। अब इसका रेट भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप लोग देखो इसका मीटर, ये वही मीटर है जो हॉर्नेट वगैरह में अपने को देखने मिलता है, मतलब वही सेम फीचर्स मिलते हैं, बस थोड़ा थीम अलग है, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो जितना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ खास आपको डिफरेंस लगेगा नहीं। तो ये थी CBR 150 R। अब वो जो कल लाइक मैंने आपने पहले आपने देखी जो, वो थोड़ी डिफरेंट थी, और ये काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लगा होगा कि भाई ये जो है बिल्कुल ही आप अलग दिखा रहे हो। तो हाँ, ये थोड़ी अलग है क्योंकि ये लोअर मॉडल है उसका, स्टैंडर्ड मॉडल। अब इसकी प्राइस क्या है वो बताऊंगा, तो आप लोग बोलोगे यार ये इंडिया में भी होनी चाहिए। तो जस्ट जो कल लाइक पहले आपको दिखाई थी मैंने, लाइक जो मॉडल था वो था अराउंड 92,000 बात का, यदि मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता अराउंड 2 लाख रुपये के करीब का। ये जो है ना अराउंड 1,80,000 के करीब का, मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये सस्ता पड़ेगा। तब आप मेरे को बताओ कि आप लोग ये वाला लोगे या फिर वो, यदि इंडिया में दोनों आती है तो। इंडिया में मे बी ये वाला जो मॉडल है ना आ सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और दिखने में भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, इंजन तो सेम है ही है, तो मे बी ये इंडिया में आ सकता है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग क्या लगता है, ये आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए? और यदि आ जाती है तो क्या आप इसको लोगे या फिर नहीं? बाकी मैं एक बार बैठ के और देखना चाहूँगा इस बाइक पे। बैठने के बाद ये इतनी मस्कुलर नहीं लग रही कि लाइक मेरे को ऐसी लग रही है जैसे कौन सी बाइक, क्या करिश्मा जैसी, थोड़ी सी करिश्मा जैसी फील आ रही है। और करिश्मा भाई बाप है अब सब का, लाइक जो सेगमेंट में उसने फीचर्स दिए हैं, पावर स्पेक्स दिए ना, तो वो बाप बन चुकी है। बाकी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स इसकी दी गई हैं। तो चलो यार, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।